What's up guys, welcome to another video. ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं first MBBS की books. Now पहले तो मैं congratulate करूँगा आप सबको, everyone who has gotten admission into colleges of MBBS in 2019. Congratulations for that. Secondly, whenever you enter college, नीट का जोश होता है, जैसे नीट खत्म होती है तो सबको एक जोश होता है पढ़ाई करने का कॉलेज में आगे. वो जोश धीरे धीरे करके आपका कम हो जाएगा, बट MBBS की पढ़ाई अपनी जगह है, उसकी मस्ती अपनी जगह है, तो आप पढ़ाई को कभी निगलेक्ट नहीं कर सकते. एंड सबसे ज़्यादा जो एक बच्चे को डाउट होता है आफ्टर कमिंग इन टू मेडिकल कॉलेज, अपार्ट फ्रॉम के यार रैगिंग होती है कि नहीं, सीनियर्स कैसे होते हैं, कॉलेज कैसा होता है, पढ़ाई कैसी होती है, वो सब को छोड़ के एक जो मेजर एकेडमिक्स से रिलेटेड जो डाउट होता है दैट इज बुक्स. बुक्स कौन सी पढ़नी है, बिकॉज 11th 12th में तो फिक्स था यार एनसीईआरटी की बुक पढ़नी थी और फिर कोचिंग के नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक्स. बट MBBS में आके द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर आर वैरायटी ऑफ बुक्स. काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है एंड सब बुक्स की अपनी खूबियाँ हैं एंड खामियाँ हैं, तो हम एक एक करके बुक्स को डिस्कस करेंगे. एंड मैंने बुक्स को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है. वन इज द मस्ट हैव बुक्स, ये बुक्स तो आपके होनी चाहिए, ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही है. सेकेंड वन इज बुक्स विच गिव यू हायर कंसेप्ट, बिल्ड हायर कंसेप्ट, जो थोड़े डिफिकल्ट है, जो नॉर्मल बुक्स से आपको नहीं मिलेंगे एंड यू वॉन्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन समथिंग विच इंटरेस्ट यू या कुछ समझ नहीं आया. थर्ड कैटेगरी ऑफ द बुक्स इज एग्जाम ओरिएंटेड. नाउ एग्जाम तो आने वाला है, ठीक है, एंड एग्जाम के पहले जो आपको पढ़ाई करनी है विच इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम आप पूरे साल में कैसे पढ़ाई करते हैं नॉर्मली, तो थोड़ी एग्जाम की टिप्स ऐसा हो तो मैं नए वीडियो में बना दूंगा. अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ बुक्स पे. मैं आपको 2017 यानी जब मैंने MBBS एंटर किया था तब की आपको बुक्स दिखा रहा हूँ एंड अभी वो थोड़ी सी चेंज हो गई होगी. मैं ट्राई करूँगा कि मैं सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँ ताकि आप सारी बुक्स अमेजोन पे देख सकें. एंड मैं आपको कुछ टिप्स एक और वीडियो में दूंगा अबाउट हाउ एंड वेयर टू बाय बुक्स फ्रॉम, विच इज अगेन अ क्वेश्चन विच पीपल हैव इन देयर माइंड. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. तो चलिए डिस्कस करते हैं द मस्ट हैव बुक्स. सो इन फर्स्ट ईयर यू हैव थ्री सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो आई विल डिस्कस ईच बुक, ईच कैटेगरी एज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर फिजियोलॉजी इज गाइटन साउथ ईस्ट एशिया एडिशन. नाउ व्हाई इज दिस बुक सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये बुक में इतने ईजी भाषा में सब समझा दिया है एंड ओनली thing that you need to revise is some notes just before the examination. So aapke concepts ye book se itne zyada clear ho jayenge ke aapko then in future mein, suppose in pathology or in microbiology which are the second year subjects, aapke concepts thode easy honge and clearer honge. To aap jitna zyada acche se guidance padhenge utna aapke physiology ke concepts clear honge and wo aapko baad mein help karega. जो सेकंड कैटेगरी है विच इज़ एनाटमी इज़ बीडी चौरसिया, ये सब पढ़ते हैं. मेरे पापा मम्मी के टाइम से ये बुक चल रही है, इसके चार वॉल्यूम आते हैं एंड द फोर्थ वॉल्यूम विच इज़ द हेड एंड नेक, उसके बदले पीपल रिकमेंड विश्राम सिंह्स न्यूरो एनाटमी एंड दीज बुक्स आर द बेसिस, द वेरी बेसिस ऑफ एनाटमी. अगर आपको एनाटमी पढ़नी है तो ये बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि इतने ईजी भाषा में एंड इतने पॉइंट वाइज एनाटमी नहीं समझाया कोई और बुक में. ऑल दो देर इज़ विश्राम सिंह की एनाटमी, बट तब से BDC चलते आ रही है. मैंने पर्सनली बाकी वॉल्यूम्स नहीं पढ़ी है, आई हैव ओनली रेड न्यूरो एनाटमी फ्रॉम विश्राम सिंह जो बहुत बाद में आता है. तो ये बुक आपको BD चौरसिया इन एनाटॉमी एंड विश्राम सिंह इन न्यूरो एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड द हिस्टोलॉजी. तो दीज बुक्स आर बोथ बाय इंदरबीर सिंह. तो हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है कि यूजुअली उसके वेटेज भी कम होता है तो स्टूडेंट्स उस पर कम ध्यान देते हैं, बट अगर आपको वो चीज़ इंटरेस्ट करती है तो यू कैन गो फॉर हायर बुक्स. बट यूजुअली ये बुक्स होती है जो सब लोग पढ़ते हैं एंड काफ़ी इसमें भी BDC जैसा ही पॉइंट वाइज एंड ईजी वे इन 2D फिगर्स विच इज़ ईजी टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जामिनेशन तरह से समझाया है.
बायोकेमिस्ट्री में द मस्ट हैव बुक इज वासुदेवन, विच इज़ यूजुअली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात. तो आप जहाँ पे भी जाएंगे यूजुअली वासुदेवन ही फॉलो होती है, बट आई फॉलोड सत्यनारायण. बुक्स में बहुत फ़र्क नहीं है, बोथ आई हैव बीन डिस्क्राइबिंग बायोकेमिस्ट्री इन द ईजीएस्ट वे, बट थोड़ा बहुत फ़र्क होता है. पर्सनली मुझे वासुदेवन इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी पढ़ने को, एंड मुझे पर्सनली बायोकेमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, सो आई हैव रेड द हायर बुक्स एज वेल. तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा मैं कौन सी बुक से बड़ा, बट अगर आपको कोई एक बुक पढ़नी है तो वासुदेवन ले लो, क्योंकि वो मेजॉरिटी कॉलेजेस में भी फॉलो होती है. सो आपको एग्जाम निकालना एंड वो सब्जेक्ट को समझना इजी है. नाउ विल गो टू द एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स. नाउ एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स में ऐसा है कि आई वुड रिकमेंड यू टू स्टडी दीज बुक्स राइट बिफोर द एग्जाम ओनली. आप पहले से पढ़ेंगे तो इट्स नॉट सो मच वर्थ इट. तो एग्जाम के पहले ये बुक्स को लीजिए. नाउ इन एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री दीज बुक्स आर द सेम मस्ट हैव एज वेल एज द एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, दे आर द सेम. तो BDC भी पढ़नी है, वासुदेवन सत्यनारायण भी पढ़नी ही है. सिर्फ चेंज आता है एंड वो एक्चुअली में डिफिकल्ट जो चेंज आपको लगेगा विच इज़ इन फिजियोलॉजी. नाउ गाइटन एक ऐसी बुक है जिसमें उन लोगों ने पूरी स्टोरी वाइज या पैराग्राफ वाइज या एक फ्लो में उन्होंने पूरा टॉपिक समझा दिया है. कई चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए या 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, तो दैट वुड नॉट बी सो मच वैल्यूएबल टू यू. तो एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स आती है. नाउ इन एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस इन फिजियोलॉजी. ये बुक कई लोगों के द्वारा गॉड कंसिडर की जाती है, विच इज द एग्जाम के गॉड, द सेम्बुलिंगम. एंड ये बुक के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म तो है कि आपको कई प्रोफेसर्स एंड कई लोग बोलेंगे कि सेम्बुलिंगम मत पढ़ो. मैं आपको बोलूँगा कि आप सेम्बुलिंगम पढ़ो, क्योंकि अगर आपने गाइटन से, नाउ इधर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ये होते हैं कि आपने गाइटन एक बार पढ़ी हुई है. इफ यू हैव रेड गाइटन वंस ट्वाइस थ्राइस, क्योंकि एटलीस्ट 2 to 3 times आपको गाइटन पढ़नी पड़ती है, तो आप गाइटन पढ़ी है तो देन सेम्बुलिंगम इज द बेस्ट बुक फॉर एग्जाम्स विदाउट एनी डाउट. मीन्स आप एग्जाम के 2 or 3 days पहले अगर आप सेम्बुलिंगम उठाए, सो यू कैन गेट ओवर विद द होल फिजियोलॉजी पूरा जितना भी कोर्स है वेरी इजीली. ठीक है, पहले पहले में यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट देन एज यू विल गो राइटिंग एग्जाम्स यू विल अंडरस्टैंड कि फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है. एंड उसमें सेम्बुलिंगम हेल्प करती है, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन पॉइंट वाइज. सो अगर आप सिर्फ हेडिंग पढ़ के जाएंगे एंड अंदर इफ यू राइट समथिंग रिलेटेड टू द हेडिंग यू विल गेट मार्क्स. ठीक है, तो बायो के इन फिजियोलॉजी मेरे हिसाब से सेम्बुलिंगम पढ़नी चाहिए, बट बहुत सारे लोग इंदु खुराना पढ़ते हैं. ऑल्दो मैंने इंदु खुराना नहीं पढ़ी है, इट्स अ गुड बुक. सो यू कैन सी इंदु खुराना, मेरे पास है नहीं अभी, तो आई विल पुट अ फोटो हियर एंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ इंदु खुराना कहते हैं कि इज अ मिक्सचर ऑफ गाइटन हायर एंड एंड लोअर एंड से. सपोज AK जैन, तो AK जैन ये विच इज़ द थर्ड बुक ऑफ फिजियोलॉजी. नाउ एक सेम्बू है, एक AK है एंड एक इंदु खुराना है, तो आप वो भी बुक पढ़ सकते हैं इंदु खुराना. इट्स वो अच्छी होगी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फॉलो दैट. मैंने पर्सनली देखी नहीं है तो मुझे पता नहीं है. तो यू कैन ट्रायल एंड एरर अबाउट द फिजियोलॉजी बुक्स यू लाइक. जो लास्ट बुक फिजियोलॉजी में बचती है वो AK जैन है. इट्स अ 2-volume बुक, इट्स क्वाइट बिग. तो ऐसा होता है कि एग्जाम के पहले आप हो सकता है पूरी AK जैन से एक यूनिट नहीं पढ़ पाओ, एक चैप्टर. तो आपको डिफ़िकल्टी हो कोर्स कम्प्लीशन में, प्लस AK जैन में बहुत इट्स नॉट रिटन इन एन इंटरेस्टिंग वे. आई टेल यू, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड इंटरेस्ट इन फिजियोलॉजी, इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द डेप्थ ऑफ फिजियोलॉजी, रीजन्स ऐसा क्यों होता है, वाई दस दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकर इन द फर्स्ट प्लेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म, तो रीड गाइटन. तो गाइटन तो मस्ट हैव है. फिर यू कैन एडजस्ट इन फिजियोलॉजी, आपको AK जैन पढ़नी है या फिर आपको सेम्बुलिंगम पढ़नी है, इट्स अप टू यू. बट आप अभी के लिए यू कैन फोकस ऑन गाइटन, देन एज एग्जाम अप्रोचेज यू कैन सी वेरियस बुक्स विच सूट्स यू. कई लोग पहले से ही AK जैन पढ़ते हैं क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, तो आपको लगेगा कि यार अच्छी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, बट ऐसा नहीं होता. मेजॉरिटी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में भी आपको पढ़ाते हैं, जैसे कई रिसेप्टर्स ही है AK जैन में, वो आपको फार्मैक में आएंगे, तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी. तो इतनी ज़रूरत नहीं कि आप वो सब चीज़ें याद करो जो आपको AK जैन में दी गई है. आप इंदु खुराना या फिर AK जैन या सेम्बुलिंगम जो आपको पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं. मेरे हिसाब से सेम्बुलिंगम पढ़नी चाहिए एग्जाम के लिए, विच इज़ दी बेस्ट बुक फॉर एग्जाम. आप उसमें कहते हैं लोग कि कंसेप्ट थोड़े से पुअर वे में लिखे हैं, बट देन यू हैव द सपोर्ट ऑफ गाइटन. और
कई वैल्यूज एंड कई चीज़ें गलत लिखी, बट वैल्यूज पे इतने क्वेश्चंस आते नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो इधर उधर, सो यू कैन यूज योर लॉजिक एंड करेक्ट इट, सो इट्स नो बिग डील, यू कैन रीड सिंबोलिंग. सो वी आर मूविंग टू द बुक्स ऑफ द हायर कंसेप्ट और हायर नॉलेज विच विल हेल्प यू गेन अ गुड कंसेप्ट ओवर इट. ये बुक्स ऐसी है कि आप फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड दिस बुक्स ना, दीज बुक्स आर नॉट दैट गुड फॉर अ फर्स्ट टाइम रीडिंग. तो ये याद रखना कि वेन एवर यू आर रीडिंग बुक्स, तो डोंट स्टार्ट विद दीज बुक्स. आपको लगेगा अच्छा है ये बुक से स्टार्ट करना चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूँगा ये बुक से स्टार्ट ना करें. रीड द मस्ट हैव बुक्स और इवन द एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स, देन यू कैन मूव ऑन टू दीज. सो दैट्स अ ग्राउंड रूल फॉर रीडिंग हायर बुक्स विच गिव यू हायर नॉलेज. मैंने ये मिस्टेक करी भी कि मैंने फर्स्ट टाइम इनमें से पढ़ा था, तो मुझे कई बार डिफिकल्टी होती थी इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, क्योंकि कई बेसिक चीज़ें टफ वे में लिखी है एंड कई टफ चीज़ें बेसिक वे में लिखी है, तो उन बीच में इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड कि आपको कैसे समझना है वो चीज़ को. तो आप एक बार बेसिक बुक से समझ ले, देन यू कैन गो फॉर हायर कंसेप्ट. आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू टू रीड दिस बुक्स, बट मेक श्योर कि आप पहले बेसिक बुक्स एंड एग्जाम ओरिएंटेड बुक्स पढ़े एंड देन यू कैन गो टू द हायर कंसेप्ट. हायर कंसेप्ट में फॉर फिजियोलॉजी देयर इज अ बुक नोन एज गेनोंग. नाउ गेनोंग इज अ बुक जिसमें से मैंने एक या दो ही टॉपिक्स पढ़े, बट इट्स अ गुड बुक बिकॉज इट गिव्स यू द पैथोलॉजी एज वेल. तो थोड़ा बहुत सेकेंड ईयर का आपको फील आने लगेगा कि यार डिजीजेज ऐसे होती हैं, ये फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, थोड़ा फार्मैक का भी फील आएगा, उसमें ड्रग्स एंड वो सब भी लिखी है. तो गेनोंग एक ऐसी बुक है ना, मतलब उसमें काफ़ी स्मॉल वे में उनने पूरा समझा है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो विद द फर्स्ट रीड. तो पहले आप गाइटन करो, एंड पर्सनली मैंने गेनोंग इतनी पढ़ी नहीं है, एंड कई लोग बोलते हैं गेनोंग पढ़ो, बट यू कैन रीड ओनली एंड ओनली गाइटन, इट विल बी सफिशियंट फॉर यू. नेक्स्ट इज ग्रेज एनाटमी. नाउ दिस इज ग्रेज एनाटमी विच इज़ द इंटरनेशनल एडिशन. ग्रेज एनाटमी फॉर स्टूडेंट्स, देर इज अ ग्रेज एनाटमी फॉर टीचर्स एज वेल, वो मत लेना. देर इज अ ग्रेज एनाटमी फॉर स्टूडेंट्स एंड उसमें भी देर इज द इंटरनेशनल रीजन विच इज़ मार्केटेड बाई एल्जेवियर इन एशिया, तो काइंडली बाय दैट बुक. नाउ ग्रेज एनाटमी में वॉट आई डिड फ्रॉम ग्रेज एनाटमी वॉज द डायग्राम्स. नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर यू कैन यूज नेटर्स एटलस और यू कैन यूज ग्रेज एनाटमी फॉर डायग्राम्स, क्योंकि BDC में डायग्राम्स 2D में दिए, टू डिमेंशनल, सो इट्स ईजियर टू रिप्रोड्यूस इन एग्जामिनेशन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द 3D व्यू ऑफ एनाटमी विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनाटमी. तो इट्स गुड यू बाय ग्रेज एनाटमी और यू बाय नेटर्स एटलस. नेटर्स एटलस आप देख सकते हैं, वो ऐसी चीज़ है जिसमें काफ़ी सारे लेबलिंग एंड काफ़ी एक्सटेंसिव डायग्राम बनता है. तो मेरा तो ऐसा होता था कि आई यूज़ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन फाइंडिंग 10 things विच वॉरेंट इम्पॉर्टेंट, एंड वो चीज़ जो चाहिए होती थी वो मिलती नहीं थी. तो मैंने तो नेटर्स एटलस पर्सनली यूज़ नहीं किया है. मेजॉरिटी यानी 30-40% ऑफ द पीपल हु यूज़ टू स्टडी एनाटमी यूज़ टू यूज़ नेटर्स एटलस. मीन 30% लोग नेटर्स एटलस यूज़ करते थे. मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया है, और मैं अगर आपको ऐसे टाइप के डायग्राम्स एंड वो सब इंटरेस्ट करते हैं तो यू कैन रीड दैट. अदरवाइज ग्रेज एनाटमी में भी काफ़ी डायग्रामेटिक अप्रोच है, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू. तो मैंने तो पर्सनली ग्रे एनाटमी से डायग्राम्स कर लिए थे, एंड मुझे नेटर्स एटलस में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो आई डिड नॉट बाय एटलस. यू कैन सी कैसी है, एंड देन यू कैन बेस्ड ऑन योर यूज़ या आपको जितना पसंद हो यू कैन बाय. ग्रेज एनाटमी में एक एडवांटेज नेटर्स एटलस से ये है कि ग्रेज एनाटमी गिव्स यू थियरी पार्ट एज वेल. तो कई टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे पेल्विस एंड पेरिनियम, जो BDC से व्हेन यू विल रीड इट बहुत सेंस नहीं मेक करता वो चीज़. यू कैन रीड दैट टॉपिक्स फ्रॉम ग्रेज एनाटमी. तो ग्रेज एनाटमी में पिक्चर है एंड रिलेशंस अच्छे से समझाए है, थोड़ा ओवरव्यू पहले देते हैं एंड दे फिर दे इनोमिनेट एवरीथिंग, वाइल इन BDC दे इनोमिनेट एवरीथिंग एंड देन दे एक्सप्लेन. नाउ लास्ट इज बायोकेमिस्ट्री, इन विच देर आर टू बुक्स. देर इज लिपिनकॉट्स बायोकेमिस्ट्री इलस्ट्रेटेड रिव्यूज एंड देर इज हार्पर्स बुक फॉर बायोकेमिस्ट्री. नाउ आई मेड दैट मिस्टेक ऑफ रीडिंग दीज बुक्स. फर्स्ट रीड द बेसिक बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एंड देन फॉर सम टॉपिक्स यू कैन रीड दिस बुक. मेटाबॉलिज्म इज गिवन गुड इन लिपिनकॉट बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इलस्ट्रेटेड डायग्राम्स, सो ऑल द रिएक्शंस आर गिवन इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म, सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. एंड DNA वाला पार्ट कहते हैं कि लिपिनकॉट से पढ़ना चाहिए,
कौन सी बुक से क्या पढ़ना चाहिए एंड कैसे पढ़ना चाहिए, यूजुअली दीज बुक्स विच रिक्वायर एफर्ट्स टू रीड, ये कैसे पढ़नी चाहिए, आई हेल्प यू विद माई इन अ न्यू वीडियो, राइट? सो दिस कंक्लूड्स द वीडियो गाइज. यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर, यू कैन क्लिक द पिक्चर ऑफ दिस एंड आई पुट द लिंक ऑफ ऑल द बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. माई इंस्टाग्राम आई डी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, माई नंबर विल बी देयर. सो ऑल द बेस्ट फॉर MBBS एग्जामिनेशन. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सीरीज फॉर यू गाइज रिगार्डिंग MBBS, हाउ टू कोप अप विद द स्टडीज, स्ट्रेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एवरीथिंग. एंड जिससे आप सेकेंड ईयर में आएंगे, कवर ऑफ द वार्ड्स पार्ट एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स एज वेल. सो तब के लिए बाय बाय.